हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोदी विघ्नेश है और मैं आप सबका स्वागत मेरी चैनल पे करता हूँ। अभी तक जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे जाके जो रेड कलर का बटन दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक कर दे और जो आइकॉन का बटन आपको दिखाई दे रहा है उसके ऊपर भी एक बार क्लिक कर दे, जिससे मेरे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, मैं फोटोशॉप में कैसे काम करते हैं वो यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना फोटोशॉप ओपन कर रहा हूं और उसके अंदर जाके सबसे पहले मैं फाइल में जाऊंगा, ओपन में जाऊंगा और यहां पे सबसे पहले मैं डेस्कटॉप के ऊपर बहुत सारे पिक्चर मैंने बैकग्राउंड के लिए सेव करके रखे हुए हैं, अलग अलग फोल्डर बना के। तो मैं यहां पे कोई भी एक फोल्डर ओपन कर रहा हूँ और एक बैकग्राउंड अच्छा सा पसंद कर रहा हूँ। पसंद करने में ज़्यादा टाइम ना बिगाड़े, मैं ये वाला बैकग्राउंड पसंद कर रहा हूँ और उसको ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे कैमरा रो मेरा ओपन हो चुका है और मेरी जो इमेज मैंने ओपन किया है वो उसके अंदर आ गई है। तो सबसे पहले मैं उसके अंदर सेट करूँगा, आप अपने अनुसार ही सेट करें। कॉन्ट्रास्ट भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते कि मैं जैसे ही अपने माउस से क्लिक करके चेंज कर रहा हूँ तो फोटो के ऊपर उसकी इमेजेस के ऊपर थोड़ी इफेक्ट चेंज हो रही है, डार्क लाइट आपको दिखाई दे रहा होगा, ब्लैक कलर कम करना है, ज्यादा करना है और ओपन इमेज कर दे और ओके कर दे। ये इमेजेस अपनी जो है वो तैयार हो चुकी है। अब मैं वापस अपने फाइल वाले फोल्डर में जाऊंगा और यहाँ पे न्यू पेज सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे पहले से ही मैंने अपना माप सिलेक्ट करके रखा है। ये माप जो है मेरा वो थंबनेल के लिए है, तो मैं ज़्यादातर यही माप में काम करता हूँ और उसे ओके कर दूँगा। अब मैं वापस अपने बैकग्राउंड वाले फ़ोटो में जाऊँगा, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए यहाँ पर जो लेयर आया है वहाँ पर आपको एक लॉक दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले तो हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और उसे ओके करके लॉक को हटा देंगे और उसके बाद कंट्रोल ए करेंगे जिससे पिक्चर हमारी पूरी सिलेक्ट हो जाए और उसके बाद कंट्रोल सी करेंगे और अब हमने जो पेजेस लिया है उसके ऊपर जाके कंट्रोल वी कर देंगे। दोस्तों, हमारी जो इमेजेस है वो हमारे वाइट बैकग्राउंड के ऊपर पेस्ट हो चुकी है और उसको अच्छी तरह से सेट करने के लिए हम सबसे पहले कंट्रोल माइनस का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर हम बाद में कंट्रोल टी पेस्ट करेंगे जिससे हमारा बाकी का जो एरिया कट रहा है वो हम सेट कर पाए। यहाँ पे मैं साइड से पकड़ूंगा और इमेज इसको अच्छी तरह से सेट कर दूंगा और ओके कर दूंगा और कंट्रोल जीरो से वापस मैं अपने पिक्चर को थोड़ी बड़ी कर दूंगा और कंट्रोल माइनस से सेट कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं जैसे ही मैं की दबा रहा हूँ तो पिक्चर का जो मेरा बैकग्राउंड है वो छोटा बड़ा हो रहा है। अब यहाँ पर हम अपने लिए या फिल्टर में जाके भी थोड़ी इफेक्ट हम दे सकते हैं। तो मैं सबसे पहले फिल्टर में जाऊंगा और यहाँ पे निक कलेक्शन करके जो फिल्टर मैंने सेव किया है उसके अंदर से ही मैं कलर्स इफेक्ट वाला एक्सपोजर वाला इफेक्ट में ओपन करूँगा। दोस्तों, इसे ओपन होने में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन उसके अंदर इफेक्ट बहुत अच्छी मिल जाती है। ये हमारा बैकग्राउंड को और भी बढ़िया बना देता है, आप चाहे वैसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ये अच्छा लग रहा है। ए मैंने जो किया है उसके अंदर मैंने यहाँ पे बार के अंदर बहुत सारे कलर है, यहाँ पे लिखा भी है कलर सेट, तो मैंने कलर सेट किया है। आप चाहे तो उसकी ओपोसिटी कम ज़्यादा कर सकते, मैं इतना रहने देता हूँ। उसके ब्लड वाला है ब्लेंड, आप जैसा सेटिंग चेंज करेंगे फोटो के ऊपर आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखाई देगा और इतना करने के बाद आप उसका रोटेशन चेंज करना चाहे तो भी आप कर सकते हैं। ये वाली फोटो मेरी को अच्छी तरह से सेट हो गई है तो मैं उसे ऐड कर रहा हूँ।
ये मेरा एक फ़िल्टर मैंने इस्तेमाल कर लिया। अब मैं यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट पहले से ही दिए हुए हैं, तो उसके अंदर से कोई अच्छा सा मैं पसंद कर रहा हूँ। अलग अलग इफेक्ट को आप पेस्ट करके देखिए, उसमें आपको बहुत सारे चेंजेस दिखाई देंगे। और यहाँ से हम उसको जाके सेट भी कर सकते हैं। और नीचे थोड़ा सेटिंग हम वापस चेंज करेंगे अपने फोटो के अनुसार। यही चीज़ हम कैमरा रो में भी कर सकते हैं, लेकिन ये फिल्टर मेरे को ज़्यादा पसंद है, तो मैं ज़्यादातर ऐसी इफेक्ट इसके अंदर ही देता हूँ। और सब कुछ हो जाने के बाद हम उसको ओके कर देंगे। देखिए आप, पहले हमारी फ़ोटो ऐसी थी और फिल्टर यूज़ करने के बाद हमारी फ़ोटो अब ऐसी हो गई है। अब जो चीज़ हमारे काम की ना हो उसे हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि हमें काम करने के टाइम पे कोई भी डिस्टर्बेंस ना चाहिए। अब मैं वापस फाइल में जाऊँगा, ओपन में जाऊँगा और डेस्कटॉप के ऊपर मैंने अपने फ़ोटो का एक फोल्डर बना के रखा हुआ है, तो उसके अंदर जाके मैं सबसे पहले कोई एक अच्छी सी फ़ोटो पसंद कर लूँगा। तो मैं ये वाली फ़ोटो पसंद कर रहा हूँ और ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे भी आप कैमरा रो ओपन हो गया है मेरा, और उसके अंदर आप चाहे तो बहुत सारे इमेजेस या कलरिंग चेंज कर सकते हैं, आप अपने माप के अनुसार करें। और टिंट, सारे सेटिंग करके देखिए, आप अपने इमेज के अनुसार सेटिंग करें, ऐसा ना हो कि आपकी फ़ोटो ख़राब हो जाए। तो आप समझ गए होंगे कि कैमरा रो में अलग अलग सेटिंग को किस तरह से यूज़ करना है। जब तक ये काम आप खुद नहीं करेंगे तब तक आपको अनुभव नहीं होगा। तो सबसे पहले तो मैं यही सुझाव दूंगा कि सीखने के साथ साथ प्रैक्टिकल भी होना बहुत ज़रूरी है। इमेजेस के ऊपर चेंज कर दिए हो, और यहाँ पे मैं ओपन इमेजेस कर रहा हूँ और ओके करूँगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरा ये फ़ोटो जो है वो अलग से पेज के ऊपर आ गया है। अब यहाँ पे मैं वापस अपने टूल्स को चेंज करके, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वापस मैंने लेयर के ऊपर लॉक लगाया, तो मैं सबसे पहले डबल क्लिक करके उस लॉक को हटा दूँगा। और यहाँ पर जो मेरा चौथे नंबर का टूल्स है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा माउस सर्कल जहाँ पे जा रहा है, ये टूल्स को मैं सिलेक्ट करूँगा, क्विक सिलेक्शन टूल्स। आप W भी दबाएंगे तो ये वाला टूल्स आपका वर्क करना चालू कर देगा। तो सबसे पहले मैं ये वाला टूल्स पकड़ के यहाँ पे आप मूव करेंगे, जितना आप मूव करेंगे आपका फ़ोटो का जो सिलेक्शन है वो अपने आप होते जाएगा। आप अपने माप के अनुसार अच्छी तरह से ये टूल का इस्तेमाल करके, और वापस हम लेयर मक्स कर देंगे। अब हमारा कोई भी एरिया कट नहीं रहा है। और वापस हम रिफाइन का इस्तेमाल करेंगे और अच्छी तरह से हमारे जो बाल है उसके हर एक इफेक्ट को हम बाहर लाएंगे और ओके कर देंगे। अब हमारा फ़ोटो बिल्कुल सही है। आप चाहे तो इसको सेव करके PNG फाइल भी कर सकते हैं। अब मैं ये वाला जो फ़ोटो जो मैंने किया है उसको मैं अपने बैकग्राउंड के ऊपर लाके रख दूँगा। और यहाँ पे मैं वापस Ctrl-Minus का इस्तेमाल करके अपना पूरा जो बैकग्राउंड है उसको मैं छोटा कर दूँगा, और Ctrl-T करके अपनी जो इमेज है वो Shift और Alt दबाकर
छोटा करूंगा जिससे मेरी फोटो चारों तरफ से छोटी हो जाए। और ओके कर दें। वापस हम कंट्रोल जीरो दबाएंगे जिससे हमारा बैकग्राउंड वापस बड़ा हो जाए। अब यहाँ पे हमारी इमेजेस बहुत अच्छी तरह से सेट हो गई है और हम इसी इमेज की इमेज के ऊपर थोड़े इफेक्ट देंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं मेरा माउस सर्कल जा रहा है लेयर मास्क के बिल्कुल बाजू में। ये वाला जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये वाले सारे इफेक्ट हमारे ओपन हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे बारी बारी हर चीज़ जो आपको ज़रूरी लगे वही इफेक्ट हम देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेवल इस्तेमाल करेंगे। लेवल से हमारे फोटो पूरे फोटो के अंदर हम फोटो के डार्कनेस या लाइटनेस बाहर ला सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं अपना ये सर्कल आगे ले जा रहा हूँ तो फोटो डार्क हो रही है और जैसे जैसे मैं इधर जा रहा हूँ तो फोटो लाइट हो रही है, वो भी बैकग्राउंड के साथ पूरी इमेजेस के ऊपर इसकी इफेक्ट हो रही है। तो मैं इस तरह से सेट करूँगा कि इमेजेस डार्क भी रहे और इतना भी डार्क ना हो कि फोटो डिस्टर्ब हो जाए। बस मेरे जो बाल है या कपड़े है वो थोड़े निखर के आए। ओके, जब काम आपका पूरा हो जाता है तब आप ये हटा दें और क्लोज कर दें। वापस मैं दूसरी इफेक्ट दूंगा जिसके अंदर में ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट उसको भी हम थोड़ा सेट करेंगे। और ओके करके हटा दें। अब और एक चीज़ है, यहाँ पे बारी बारी आप हर चीज़ का इस्तेमाल करें। मैं जितना ज़रूरी आपको लगे उतना ही आप इफ़ेक्ट दे, ज़्यादा इफ़ेक्ट भी ना करें, आपकी इमेज अच्छी होनी चाहिए और हर इफेक्ट का इस्तेमाल ध्यान से करें जितना ज़रूरी लगे उतना ही। ओके, मैंने जो इफ़ेक्ट यहाँ पे दिया है वो अच्छी तरह से पूरे बैकग्राउंड के साथ मैच हो रहा है। अब यहाँ पे हम जो काम हम कर चुके हैं उसको हम एक पेज के ऊपर ले लेंगे। सबसे पहले हम कंट्रोल अल्ट शिफ्ट और ई का इस्तेमाल करेंगे। आप यहाँ पे लेयर में देख सकते हो कि अभी तक हमने जितना भी काम किया था उसकी एक इमेजेस ऊपर बन गई है। अब उस इमेजेस के ऊपर हम काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं वापस फाइल में जाऊँगा, ओपन में जाऊँगा और यहाँ पे जो फोल्डर है उसके अंदर से आप यहाँ पे देख सकते हैं आइस है और आइस बॉल है तो उसको मैं इस्तेमाल करूंगा। तो सबसे पहले मैं कोई भी एक आई बॉल सिलेक्ट कर रहा हूं और उसको ओपन कर रहा हूं और ऊपर जाके जो भी बेकार की चीज़ें हैं वो मैं हटा रहा हूं और जो यहां पे मेरी आई बॉल है उसको मैं ले जाके यहां के मेरी आईज के ऊपर रख रहा हूं और कंट्रोल टी करके मैं उसको छोटा भी कर रहा हूँ। ये आई बॉल इतनी छोटी होनी चाहिए अपने फोटो को अनुसार और अप्लाई करें। और भी छोटा करना पड़ेगा। अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले हम इसकी ओपोसिटी कम कर देंगे तो जिससे नीचे वाला जो आई बॉल है हमारा वो आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा। तो मैं वापस कंट्रोल टी करके और यहाँ पे मैं पिक्चर को थोड़ा जूम करके देखूँगा
तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। वापस मैं कंट्रोल टी करूँगा और इस इमेजेस को मैं अच्छी तरह से छोटा करूँगा हमारे आई बॉल के अनुसार। काफ़ी अच्छी तरह से हमारा आई बॉल सेट हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। अब मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा और यहाँ पे मैं अपनी ओपोसिटी जो कम किया है उसको मैं ओके कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं इरेजर का इस्तेमाल करूँगा और इरेजर का सबसे पहले मैं जो साइज़ है वो थोड़ा कम कर दूंगा और ये वाला जो ब्रश है वो सिलेक्ट करके जितना एरिया हमारा रब करना है वही हम रब करेंगे और सावधानी से करेंगे। और उसके आजू बाजू भी हम थोड़ा कर देंगे। अब ये वाला जो इमेजेस हमने किया है आइस का, उसको वापस हम अच्छी तरह से अपने आई के ऊपर सेट कर देंगे और उस लेयर की एक डुप्लीकेट निकालेंगे और ओके करेंगे। और ये आई बॉल को हम पकड़ के इधर लाएंगे और यहाँ पे भी सेट कर देंगे और यहाँ पे भी आप थोड़ा इरेजर का इस्तेमाल करके अच्छी तरह से हमारा फिनिशिंग आए वो ध्यान देना है। इतना काम हो जाए उसके बाद हम वापस कंट्रोल जीरो करेंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी आई बॉल जो आँखें है वो पूरी अच्छी तरह से निखर के आ गई है, लेकिन ये ज़रूरत से ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। तो हम इसके लिए यहाँ पे नॉर्मल के अंदर बहुत सारे इफेक्ट पहले से ही दिए हैं, तो हम यहाँ पे अलग अलग इफेक्ट पसंद करेंगे, मल्टीप्लाई या स्किन, जो भी आपको ठीक लगे। मैं यहाँ पे इसको नॉर्मल ही रहने देने वाला हूँ और यहाँ पे आप देख सकते ओपोसिटी जो है। सबसे पहले एक काम करिएगा कि शिफ्ट दबाकर लेयर फोर, दोनों लेयर फोर को हम सिलेक्ट कर, जिससे दोनों आई बॉल पे एक समान ही हमारा वर्क हो। तो सबसे पहले मैं ओपोसिटी के अंदर जाऊंगा और थोड़ा उसे डाउन करूंगा। ओके, अब नीचे थोड़ा फिल में भी जाके ओके कर दूंगा जिससे वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और ओके कर देंगे। आप यहाँ पे फोटो को वापस जूम करें कंट्रोल माइनस का भी इस्तेमाल करें और यहाँ पे जो टूल्स है आपको यहाँ पे दिखाई देगा होगा, ये वाला टूल्स हम सिलेक्ट करेंगे और सबसे पहले हम नो न्यू लेयर लेंगे और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हम ये टूल्स का इस्तेमाल करेंगे हमारे स्किन के ऊपर, जिससे हमारी स्किन थोड़ी स्मूथ हो जाए। ये टूल्स ऐसे हैं कि जब तक आप यूज़ नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएंगे। इसका इफेक्ट जो होता है वो काम होने के बाद ही आपको समझ में आएगा। इतना हो जाने के बाद ऊपर वाला जो टूल्स है यहाँ पे हम देख सकते हैं, ब्लर टूल से, शार्प टूल से और स्मूथ टूल से, इसको हम लेंगे। जो भी आपके चेहरे के ऊपर निशान है उसके लिए ब्रश का साइज थोड़ा बड़ा कर दे और अपने चेहरे के ऊपर अच्छी तरह से ड्रैग करें माउस को
आपकी स्किन जो है वो थोड़ी स्मूथ होगी। जरूर एरिया पे ही ये चीज काम करे। ध्यान से देखेगा तो आपको इमेज के ऊपर जो चेंजेस हो रहे हैं वो आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे मैंने 50% किया है, आप चाहे तो 100% कर सकते हैं, और मैं तो यही सजाव दूंगा कि थोड़ा कम करके ही करें। और ओके कर दें। इतना काम हो जाने के बाद हम वापस अपने होल्डर में जाएंगे और ओपन इमेज के अंदर जाके हमारे रिलेटेड अगर जो हेडलाइन है या पीएनजी आपको जो अच्छी लगे वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तो ज़्यादातर मैंने जो टेक्स्ट इस्तेमाल किया है, जो पसंद किया है, उसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और ओपन कर रहा हूँ, और उसके अंदर भी कोई ज़्यादा चेंज करने की मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है। तो मैं सबसे पहले उसे ओपन करूँगा, ओके कर दूँगा, और ये वाला लेयर जो लॉक है उसको भी मैं खोल लूँगा, और ये इमेजेस को मैं अपने वर्क एरिया में ले जाकर आऊँगा। ओके, अब यहाँ पे वापस हम चौथे नंबर का टूल्स के पास आप देख रहे हैं छोटा सा ट्राइंगल है, उसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैजिक वाला जो टूल्स है उसको मैं सिलेक्ट करूँगा और डिलीट कर दूँगा। कंट्रोल डी करेंगे और इरेजर की मदद के जो बेकार की चीज़ें हैं उसे मैं रब कर दूँगा। और इसको कंट्रोल टी करेंगे और उसको थोड़ा मैं सेट करूंगा। आप चाहे तो नॉर्मल में जाके मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या स्किन भी कर सकते हैं। अच्छी इमेजेस हो गई है और उसे ओके भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम वापस एफएक्स में जाएंगे और ब्लेंडिंग ऑप्शनों का इस्तेमाल करके देखेंगे। सबसे पहले एम्बोस करके देखते हैं, अच्छा लग रहा है। स्ट्रोक में भी ब्लैक कलर अच्छा लग रहा है। उसके बाद है ड्रॉप शेडो। तो आप जो भी यूज़ करना चाहे कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रेडियंट ऑयलियर, कलर ओवर, पैटर्न ओवर, हर चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन मैं इसको ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ, ऐसा ही ठीक लग रहा है तो मैं ओके कर रहा हूँ। हमने जो टेक्स्ट लिया है काफ़ी अच्छा सेट हो गया है, और मैं वापस फाइल में जाऊँगा, ओपन जाऊँगा और अपने रिलेटेड जो भी आपको इमेजेस और अच्छी दिखे सेट करने के जैसे तो मैं ढूँढ रहा हूँ। तो यहाँ पे तो ज़्यादातर चीज़ें ठीक ही है, ऐसा कोई पिक्चर मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि जिसको मैं यूज़ कर सकूं। ये एक सनलाइट है, उसको मैं ओपन कर रहा हूँ और ओके, और इसको भी क्लिक करके मैं कर दूंगा ओके, लॉक खोल दूंगा और यहाँ पे मैं अपनी इमेज में इसको लेके आ जाऊँगा। और यहाँ पे मैं स्किन मोड का इस्तेमाल करके सनलाइट अच्छी निखर के आ रही है, तो मैं कंट्रोल टी की मदद लूँगा और सबसे पहले कंट्रोल माइनस कर दूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे बहुत अच्छी सनलाइट आ रही है, तो मैं यहाँ पे उसको अच्छी तरह से सेट करूँगा फोटो के अंदर जहाँ पे आप सेट करना चाहे कर सकते हैं अपने पिक्चर के अंदर। और उससे अगर आपको ओपोसिटी कम करना है तो कम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा ही रखूँगा
क्योंकि मैं हाईलाइट यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। इतना हो जाने के बाद आप इरेजर का मदद ले और जो आपके बॉडी के ऊपर ये इमेजेस आ रही है उसको रबर से साफ कर दें। खास करके चेहरे से वापस मैं कंट्रोल जीरो कर दूंगा और ध्यान से देखेंगे तो सब सही जा रहा है मेरा। अभी जितना काम है वो सनलाइट की तरह काम कर रहा है और यहाँ पे जो इमेजेस है वो भी बहुत अच्छी तरह से निखर के आ गई है। लेकिन एक प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे जो हमने इमेजेस इस्तेमाल की उसकी वेबसाइट का नाम आ रहा है, तो मैं वापस कंट्रोल माइनस थोड़ा करूँगा, कंट्रोल टी करूँगा और ये वाला जो हिस्सा है उसको थोड़ा नीचे ले लूँगा जिससे वो वाली वेबसाइट हमें नज़र ना आए, और मैं ओके कर दूँगा। ये वाली फ़ोटो हमारी बहुत अच्छी तरह से सेट हो गई है। आप चाहे तो अभी से ही उसको सेव कर सकते हैं या आप वापस फिल्टर में जाए और यहाँ पे अलग अलग जो इफ़ेक्ट है वो हम देख सकते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले कंट्रोल अल्ट शिफ्ट और ई का इस्तेमाल करके नया पेज ले लूँगा और बाद में फिल्टर का इस्तेमाल करूँगा और यहाँ पे जो पोर्ट्रेचर है उसके अंदर में फिर से करेंगे। यहाँ पे शॉर्पनेस थोड़ा कम ही रखेंगे क्योंकि शॉर्पनेस से ही हमारी पिक्चर थोड़ी डाउन हो जाती है, और बाद में वापस ओके करके देखेंगे सही है। दोनों में फ़र्क क्या है वो देखते हैं, ये रियल लगता है और ये थोड़ा स्मूथ जैसा लगता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा ही हो रहा है ऐसा लग रहा है। या रबर का इस्तेमाल करके भी आप जो चेहरा है उसको रब कर दे तो ये वाली जो इफ़ेक्ट है वो आपकी रब हो जाएगी। अब ओके हो गया है हमारा और उसे हम ओके कर देंगे। सबसे पहले वापस हम सिर्फ अल्ट और ई दबा के और एक इमेजेस ले लेंगे और उसको वापस फिल्टर में जाएंगे और निक कलेक्शन के अंदर भी हम वापस रोटीन इफेक्ट देखेंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे इफेक्ट मिल जाते हैं, आपको जो सही लगे वो हम यूज़ करेंगे और ऊपर थोड़ा सेट भी करेंगे। यहाँ पे वापस इस इफेक्ट को ऐड करेंगे और दूसरी एक आध इफेक्ट को भी हम चेक करेंगे। इसके अंदर जाके कलर भी देख सकते हैं, और ओके कर देंगे। काफी अच्छी तरह से हमारी सारी इफेक्ट हमारे फोटो के ऊपर आ गई है। हम पहले की जो फोटो है उसको अगर देखना चाहते हो यहाँ पे आइस वाला जो बटन है उसके ऊपर क्लिक करके थोड़ा बंद कर दे तो आपको जो इमेजेस में चेंज हो रहे हैं वो आपको समझ में आएंगे। इतना काम होने के बाद आप अपना फाइल में जो भी आपने काम किया है वो सेव करते हुए चले, और मैं यहाँ पे अपना जो फाइल है उसे सेव कर रहा हूँ। जो भी आप नाम देना चाहो तो मैं यहाँ पे नाम विंग्स दे रहा हूँ, और मेरा जो डेस्कटॉप है उसी के ऊपर
मैं सेव कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे जेपीजी फाइल में कन्वर्ट कर दूँगा मेरी इमेजेस को और सेव कर दूँगा और ओके कर दूँगा। अब ये अपना फोटोशॉप मिनिमाइज कर रहा हूँ और यहाँ पे जो डेस्कटॉप पे है इमेजेस, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ा हो गया है। देखिए पूरी इमेजेस मेरी बहुत अच्छी तरह से बन के आ गई है और अच्छा दिखाई दे रहा है। तो मैं अब ये इमेजेस को फेसबुक, इंस्टाग्राम या गूगल, ट्विटर पे यूज़ कर सकता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। दोस्तों यूं ही हमारे साथ बने रहिएगा। फोटोशॉप के अंदर जितना मैं सिखा सकूँ उतना मैं सिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दे और इसी तरह से मेरे साथ बने रहिएगा। ऐसे ट्यूटोरियल में रोज लाने की कोशिश करता हूँ और कुछ ना कुछ नया सीखने के हम हमेशा कोशिश करते हैं। दोस्तों नमस्कार, थैंक यू और आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद।